हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, मैं आज फिर से स्वागत करता हूँ आज के एक न्यू व्लॉग में। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं साउथ अड़ा वाटरफॉल जो कि बीड डिस्ट्रिक्ट में आता है महाराष्ट्र में। फिलहाल हम रुके पेट्रोल पंप पे जो कि हमें पेट्रोल फिल करना था, तो दोनों गए पेट्रोल फिल करने। वहाँ से पेट्रोल फिल करके फिर से निकलेंगे हम हमारे रूट पर। तो दोस्तों मेरे पास कोई एक्शन कैमरा नहीं है, इसलिए हमें जितना मेरे से पॉसिबल होगा जहाँ पर भी हम स्टॉप लेंगे वहाँ पर मैं आपसे बात करूँगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और जिस जगह पे हम जाने वाले वो जगह भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो लगे रहिए। तो गाइस यहाँ पे हमारा सेकंड ब्रेक इसलिए क्योंकि यहाँ का जो नज़ारा है, एक बार देखिए, आप मैं पूरा आपको दिखाता हूँ, इतना ज़बरदस्त नज़ारा है। इसलिए सोचा यहाँ पे थोड़ा फोटोशूट करेंगे, उसके बाद निकलेंगे आगे, क्योंकि बाइक को भी ऑलमोस्ट 70-80 किलोमीटर्स हो गए, अभी तक कोई ब्रेक नहीं। तो सोचा यहीं पर एक ब्रेक ले लेते, नेक्स्ट ब्रेक जो हम लेंगे वो लेंगे अब खाना खाने के लिए। अभी सो थोड़ा जा रहा हूँ ऊपर, गए ऊपर ही दोनों, मस्त मस्त अच्छे फ़ोटो खींचेंगे थोड़े। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप इंस्टाग्राम पे भी अपने भाई को फॉलो कर सकते हो। तो ऐसे हमने फ़ोटो निकाले, अभी जा रहे हैं हमारे जहाँ पे हमें एक्चुअली जाना है, बहुत टाइम हो रहा है। तो अभी निकलेंगे, हमारे नीचे हाइबुजा खड़ी है, हाइबुजा बैठ के हम जाने वाले हैं अभी। तो चलिए आपको सीधा मिलता हूँ आगे नेक्स्ट ब्रेक पे। तो दोस्तों ये हमारा थर्ड ब्रेक, यहाँ पे हम जैसे मैंने आपको बोला कि अभी खाना खाने वाले हैं। यहाँ से बस जो हमारा डिस्टिनेशन है वो अभी 10 किलोमीटर बाकी है, तो यहाँ पे फटाफट खाना खाएंगे, उसके बाद जाएंगे सीधा आगे। यहाँ पे मतलब हमने जो सेकंड ब्रेक लिया तो वहाँ से कुछ सामान लिया खाना खाने के लिए, ये वो सामान है, खाना खाएंगे और निकलेंगे फटाफट आगे। सुबह खाना खा के हो गया, अभी निकलने वाले सीधा डिस्टेशन पे, आपको मैं सीधा मिलूंगा वहाँ पे जा। तो हमें अभी जाना है, यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 किलोमीटर है, तो अब सीधा मिलूंगा आपको वहाँ पे। सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए, बट सीन ये हो गया कि जो मेन गेट है वो बंद है। तब यहाँ पे एक शॉर्टकट है, वहाँ से हम जा रहे हैं, कुछ आइडिया नहीं कहाँ पे जाना है। बट अभी एक भाई से पूछा था, वो बोला सीधा जाओ इधर से, तो अभी देखते हैं रास्ता कैसा है एक्चुअली, क्योंकि मुझे भी आइडिया नहीं। मैं 3 टाइम आया हूँ इससे पहले भी, बट उस साइड से गया हूँ, इनको भी कुछ मालूम नहीं, मालूम है क्या? नहीं मालूम, फर्स्ट टाइम भाई अपना भी। तो अभी देखते हैं क्या है। ये वो रिवर है, इसका आगे जाके वाटरफॉल फिर हो जाता है। सो गाइस फाइनल रास्ता मिल गया, उस तरफ जाएंगे, देखते हैं वहाँ से भी कुछ ऑप्शन है या नहीं जाने के लिए। वैसे वो बोल रहे थे कि वहाँ से रास्ता है, एक बार मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ ऊपर से, देख सकते वहाँ पे एक वाटरफॉल चले जो अभी यहाँ से दिखाई दे रहा, मैं आगे से दिखाता हूँ। वो देखिए अगर पॉसिबल होगा तो वहाँ पे दिख रहा होगा आपको, वहाँ से वाटरफॉल है। तो दोस्तों देखिए वाटरफॉल बहुत गहरा है नीचे, अभी जाएंगे उस तरफ। कैसा लग रहा है भाइयों? एकदम मस्त भाई, वो देखो बहुत ही खतरनाक दिख रहा है, एक बार नीचे जाके भी देखेंगे कैसा है। तो चलिए फटाफट चलते हैं नीचे।
और राजू भैया क्या लग रहा है? भौक चल रहा है, भौक। क्या चल रहा है? भौक। चलो चलो नीचे चलो, सांस फूल रही। चलो चलो, थोड़ा सा रहेगा अभी, बट बहुत ही गंदी सांस फूल रही है क्योंकि सीढ़ियाँ इतनी बड़ी बड़ी है। अभी तो छोटी है, बट जो सबसे ऊपर वाली थी ना वो बहुत ही बड़ी बड़ी थी। पर कोई बात नहीं, इंजॉय करने तो आना ही पड़ेगा। आप भी आ सकते हैं दोस्तों, बीड डिस्ट्रिक्ट में लगता है, महाराष्ट्र में। शायद मैं आपको एड्रेस दे दूँगा। अगर आप इसी टाइम पे आते हो तो यहाँ पे जो मेन गेट है वो तो बंद मिलेगा आपको, बट अगर आपको आना है तो उसके मेन गेट से एक राइट साइड से एक रोड जाता है, वहाँ से आप आ सकते हैं। आपको पता लग ही जाएगा क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं, तो इतना कोई सीन नहीं है, आराम से आ सकते हो। तो दोस्तों फाइनल नीचे आ गए अभी, बहुत बहुत ऊपर से आप देख सकते हो, वहाँ से हम नीचे आए, जस्ट पहुँचे। वैसे भी टेम्पल बंद है बिकॉज आपको तो मालूम है क्या सीन चल रहा है यहाँ पे। एक भैया पानी पी रहा है, मालूम नहीं अच्छा है कि नहीं, बट ऊपर से आ रहा है। वहाँ पे झरना देख सकते हो, बहुत हवा चल रही है। ओके, यहाँ पे पानी है, इस साइड भी पानी है। अभी देखते हैं, अभी जाने का सोच रहे हैं उधर झरने की तरफ, क्योंकि हमने मॉर्निंग में कुछ नहाया नहीं है, तो अभी नहाएंगे वहाँ पे जाके। सो चलिए, वैसे मैं दिखा देता हूँ, टेम्पल है, बहुत से चेंजेस हो गए उसमें ऑलरेडी, बहुत ही ब्यूटीफुल है अंदर से, बट अभी बंद किया हुआ है। अगर आप आते हैं इन फ्यूचर में और आपको चल दिखता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कैसा लगा आपको। तो दोस्तों अभी एक सीन हो गया, हमारे जो अंकल है और नीचे गिरे, तो अभी मैं भी डर रहा हूँ अंदर जाने के लिए, क्योंकि मेरे शूज़ है ना पूरी तरह से फ्लैट है, तो मैं भी कभी भी गिर सकता हूँ। सोचो डायरेक्ट पानी के अंदर से जाएंगे। सो दोस्तों फाइनली इस पर आ गए और मामा गिर गए थे, एक्चुअली वो स्लीप हो गए थे, तो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। तो गाइस यहाँ से तो कुछ अच्छा व्यू नहीं दिख रहा, सोच रहे उस साइड जाएंगे, जितना पास हो सके उतना जाने की कोशिश करेंगे। मतलब पानी ऐसा आ रहा है मुँह पे, तो जितना मेरे सोच सकते उतना पास रहे, उतना पास आ चुका हूँ, देख सकते पीछे पास, इतना व्यू में दिखा सकता हूँ। देखिए एक बार, वैसे आपने ऑलरेडी देखा होगा, ये भी सिटिंग है, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगती है ये जगह। सोन भैया कैसा लग रहा है? बढ़िया भाई। तो मतलब बहुत पानी आ रहा है ऊपर से, जैसे वो प्रेशर आ रहा है ना सीधा मुंह के ऊपर, वो पानी आ रहा है। आई थिंक आपको नहीं दिख रहा होगा, बट सीधा कैमरे पे जा रहा है, तो बस ऐसा सीन। अब देखते हैं, ट्राई करेंगे स्विमिंग करने का, पॉसिबल हुआ तो स्विमिंग करेंगे, नहीं तो ऐसा इंजॉय करेंगे थोड़ा नेचर का। गाइस ऊपर वाले झरने में तो पॉसिबल नहीं हुआ, अभी आ गए नीचे, क्योंकि वहाँ पे ना पानी का जो फोर्स था ना वो बहुत ज़्यादा था, तो अभी ट्राई करेंगे यहीं से स्विमिंग करने की, यहाँ पे करेंगे फिर निकलेंगे घर पे। मेरी आवाज़ आ रही होगी यार, क्योंकि यहाँ पे जो हवा है बहुत ही तेज़ है, तो अभी करेंगे स्विमिंग यहाँ पे। आपको यहाँ पे बहुत ही इंजॉय कर सकते हैं, जितना हो सके उतना करेंगे।
बहुत इंजॉय कर लिया, देख सकते हैं प्रतीक बहुत पूरी तरह से भीग गए, बहुत हो गया अभी थोड़ा और थोड़ा देर रुकेंगे फिर निकलेंगे यहाँ से। तो बस दोस्तों आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। बता सकते हैं वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा और कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, और अगर आप भी यहाँ पे आ सकते आए हुए तो वो भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो बस बहुत इंजॉय किया, बस अब यहीं पे करते इस व्लॉग को एंड, फिर से मिलेंगे एक ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और हाँ दोस्तों अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना। चलो बाय बाय।